अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और साथ ही साथ ये टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी भी बहुत है। तो चलिए हम अपना पेस्ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आधी कटोरी दही, एक चम्मच वनीला एसेंस। अब इन तीनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। मैं इसमें एक कटोरी पाउडर शुगर डालूंगी, मतलब पिसी हुई चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसमें मैं 1.5 छोटी कटोरी मैदा डालूंगी और 3 छोटा चम्मच कोको पाउडर। आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इसमें दूध ऐड करके इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे, और दूध ध्यान रखिएगा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसमें तकरीबन 2 कटोरी दूध लगेगी। आप का बैटर जिस हिसाब से होगा उसमें कम ज़्यादा दूध लग सकता है, लेकिन मैंने जितना लिया है सामान उसके अकॉर्डिंग 2 छोटी कटोरी दूध इसमें लगा है। तो ये देखिए स्मूथ सा बैटर मेरा बनके तैयार हो गया है। इसी कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। तो अब मेरा बैटर एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है, इसमें एक भी लम्स नहीं रह गया है। अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, और देखिए मैंने इसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर पेपर इजीली नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने सिर्फ रिफाइंड ऑयल से ग्रीस इसको कर लिया है। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। अब इसको थोड़ा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर में जितने भी एयर बबल्स हो वो निकल जाएं, और इसको 30 से 40 मिनट बेक करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 मिनट इसको ऐसे ही बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद 5 मिनट बाद इसको तवे पे रख देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको तवे पे रख दिया था, और इस पर एक बारीक सा बर्तन रख दिया था ताकि ये इसके अंदर से एयर बाहर ना आए। तो अब देख दिखाती हूँ मैं आपको मेरा केक बेक हो चुका है या नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। अब मैं इसको चेक करके आपको दिखाऊंगी। देखिए मेरे स्पून बिल्कुल क्लियर है, ये एकदम परफेक्ट बन गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे, एक इसको फ्रीज में रख के अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए ये ठंडा भी हो चुका है, बहुत ही स्पॉन्जी बना हुआ है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। इसको मैं बाहर नहीं निकालूंगी, इसकी आइसिंग पैन के अंदर में ही करूंगी। आप चाहें तो इसको बाहर निकाल के मतलब किसी और प्लेट में रख के भी आइसिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको पलट दूंगी। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी, विप क्रीम मैंने रेडी कर लिया है, 1 कप विप क्रीम मैंने फेंट ली है। और इसको पाइपिंग में भर के इस तरीके से लगा ले रही हूँ। आप इसको डायरेक्ट भी स्पून से लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से अब स्पून से इसको फैला लूँगी हर तरफ अच्छी तरीके से। जहाँ पे लगे आपको क्रीम कम है आप थोड़ा और क्रीम वहाँ लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैंने बिल्कुल परफेक्टली क्रीम लगा लिया है। अब मैं इस पे चॉकलेट गनाश डालूंगी। चॉकलेट गनाश मैंने बनाया था, आधी कप क्रीम लिया था मैंने विप क्रीम, गरम विप क्रीम
मैंने लिया था, मतलब उसको गर्म कर लिया था गैस पे, और उसमें डार्क चॉकलेट डाल के उसको अच्छे से मेल्ट कर लिया था, और उसमें 2 चम्मच कोको पाउडर डाला था और थोड़ा सा बटर। उसके बाद उसको अच्छे से मेल्ट करके फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने को। उसके बाद इसको केक पे लगा लिया है। अब इसको मैंने केक पे लगा लिया है, तो इसको आप चाहें तो थोड़ा देर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, या इसको ऐसे ही डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आज बनके तैयार है आज की। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।